हे एवरी वन दिस इज़ स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन सो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर टन विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का जिसमें हम इसे थ्री पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और थ्री पार्ट्स में क्यों क्योंकि आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है वो जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं एम एस वर्ड हो एमएस एक्सेल हो एमएस पावर पॉइंट हो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानेंगे अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं एम एस वर्ड को जिसके बाद आता है आपका एम एस एक्सेल देन एम एस एक्सेस एंड देन आउटलुक ठीक है तो इन सभी को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज स्टार्ट करते हैं हम एम एस वर्ड को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे कुछ एक बेसिक डिटेल्स तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है फ़र्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से ही आपको क्लियर होता है कि माइक्रोसॉफ्ट इनकॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया होगा सो बेसिकली द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इनकॉरपोरेशन डेट आपको ध्यान में रखनी है नाइनटीन एटी एट में जो है इसे डेवलप किया गया था अब ये है क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं ठीक है सॉफ्टवेयर्स के नाम आपको मैं बता चुका हूँ एम एस वर्ड एम एस एक्सेल एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देन एम एस एक्सेस विच इज़ द डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और उसके बाद एम एस आउटलुक आता है सो so ये सभी जो सॉफ्टवेयर हैं इनका एक कलेक्शन है ठीक है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पर्पज एंड मेनली यूज इन ऑफिस वर्क यू कैन स्टार्ट एनी सॉफ्टवेयर ऑफ एम एस ऑफिस बाई यूजिंग द स्टार्ट बटन तो अगर आप एक पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो लास्ट चैप्टर में हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में पढ़ा था ठीक है उसका स्ट्रक्चर देखा था वर्जनस देखे थे तो विंडो जब आप ओपन करोगे डेस्कटॉप पे आपको जो है वो स्टार्ट बटन मिलेगा एम ऑफिस का यूज़ आप वहाँ से कर सकते हो ठीक है आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है एम ऑफिस का यू कैन यूज़ द स्टार्ट बटन टू ओपन द सॉफ्टवेयर ऑफ एम ऑफिस देन देर आर फाइव पैकेजेस ऑफ एम एस ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइव पैकेजेस आते हैं जिसके नाम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं फर्स्ट आता है एम एस वर्ड विच इज़ आ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेल आता है विच इज़ आ स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर एम एस पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेस जो कि एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है एंड देन एम एस आउटलुक ई मेल क्लाइंट ऑप्शन है ठीक है अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड क्या है ठीक है इसका क्या क्या यूज़ है स्ट्रक्चर देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सभी को भी जानेंगे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आता है आपका शॉर्टकट कीज ठीक है शॉर्टकट कीज तो शॉर्टकट कीज अभी सेशन में जितनी आएंगी उतनी आपको ध्यान में रखनी है बाकी इसका जो है एक अलग से ग्राफ दिया हुआ है तो आपको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है सो एम एस वर्ड विच इज़ आ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज एप्लीकेशन है विच इज़ फाउंड ऑन आर कंप्यूटर इट provides टूल्स फॉर एडिटिंग formatting एंड प्रिंटिंग ऑफ documents स्मॉलर than द 45 kb के document द be कैन poster report पोस्टर रिपोर्ट लेटर ब्राउचर वेब पेज न्यूज़ लेटर एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है ठीक है अब यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि वर्ड स्टार वर्ड स्टार क्या है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है नोट पैड फॉर द विंडोज ये सभी क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं ठीक है अब स्टार्ट कैसे करना है एम एस वर्ड को बेसिकली अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप इन्हें यूज करो साथ में पढ़ते समय यूज़ भी करते जाओ तो आपको जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी सो स्टार्ट एम एस वर्ड देर आर टू मैथड ऑफ स्टार्टिंग द एम एस वर्ड विच आर एज फॉलोज नंबर वन यू कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन द रन ऑप्शन वहाँ पर अपेयर होगा आपका एक रन डायलॉग बॉक्स ठीक है ऑन द स्क्रीन नाव यू कैन टाइप द विन वर्ड ऑन द टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की ये फर्स्ट मैथड है ठीक है मेनली आपको क्या करना है स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है रन ऑप्शन पर क्लिक करना है देन जो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आपको विन वर्ड टाइप करना है देन एंटर की को प्रेस करना है तो आपके सामने जो है वो एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा सेकेंड मैथड आपका डायरेक्ट आता है विच इज़ ऑल प्रोग्राम्स में आपको जाना है स्टार्ट बटन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वहाँ पर दिया रहेगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को आपको ओपन करना है ठीक है इट ओपन्स द एम एस वर्ड विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा आपका ठीक है और जो नेम होगा उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट का वो आपका दिया रहेगा डॉक्यूमेंट वन डॉट डी ओ सी एक्स जहां पर डी ओ सी एक्स क्या है इसकी एक्सटेंशन है बाय डिफॉल्ट यही नाम रहेगा आप जब भी इसको ओपन करेगो ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन करोगे फर्स्ट थिंग आपको डॉक्यूमेंट नेम आ गया जो कि सबसे अबब टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको रहेगा डॉक्यूमेंट वन डॉट डी ओ सी एक्स जहाँ पर डी ओ सी एक्स क्या है एक एक्सटेंशन है एम एस वर्ड फाइल की अब इसके फर्दर आगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सो स्क्रीन पे आपको दिखेगा एक टाइटल बार फर्स्ट कंपोनेंट आता है आपका टाइटल बार टाइटल बार आपको सबसे ऊपर देखेगा इट शोज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द फाइल इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंट्रोल बटन और थ्री कंट्रोल बटन कौन से होते हैं मिनिमाइज री एंड क्लोज अगर आप विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपके सामने जो है हाँ वो टाइटल बार बन के आ रहा होगा उसके आपके राइट right साइड में जो है आपको ये थ्री बटन देखने को मिल जाएंगे मिनिमाइज रिस्टोर एंड क्लोज अब इनके फंक्शंस जो हैं इनके नाम से ही क्लियर हैं इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ठीक है सेकेंड कंपोनेंट आता है स्टैंडर्ड टूल बार अब टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको स्टैंडर्ड टूल बार देखने को मिलेगा जो कि डिस्प्ले करता है सिंबल्स फॉर द कॉमन ऑपरेशन लाइक ओपन प्रिंट एंड सेव आपके लेफ्ट साइड में ठीक है थर्ड वन आता आपका रिबन अब जो आपका यहां पर था स्टैंडर्ड टूल बार इसके जस्ट नीचे आपको रिबन देखने को मिलेंगे विच इज़ अ सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन इट कंसिस्ट ऑफ अ पैनल ऑफ कमांड्स विच आर ऑर्गेनाइज इन टू द सेट ऑफ टैब्स तो इन इस रिबन में आपको मल्टीपल सेट ऑफ टैब्स देखने को मिलेंगे अभी टैब्स भी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि आपके सामने अपेयर होंगे होम टैब इंसर्ट टैब पेज लेआउट टैब तो ये सभी इनके फंक्शंस जानना आपका ज़रूरी है अगर आप एम एस वर्ड का यूज़ करते हो तो आप डायरेक्टली इन टैब्स का इस्तेमाल भी करोगे ही करोगे अब यहाँ पर रिबन के अंदर जो है आपको सेट ऑफ़ टैब्स देखने को मिलेंगे टैब्स क्या है इट कंटेन्स द बटन नीडिड टू एडिट करेक्टर टेक्स्ट एंड ले तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप क्रिएट कर रहे हो उसमें करेक्टर्स को एडिट करना है टेक्स्ट और लेआउट को एडिट करना है तो आप इन टैब्स का इस्तेमाल करोगे सबसे पहला टैब आता है होम टैब का ठीक है होम टैब आता है सबसे पहले विच कंसिस्ट ऑफ क्लिप बोर्ड क्लिप बोर्ड के फंक्शन क्या होते हैं कट कॉपी पेस्ट आप क्लिप बोर्ड ऑप्शन के साथ आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो देन सेकेंड वन आता है आपका फॉन्ट जिसमें आप साइज कलर और फॉन्ट को चेंज कर सकते हो उसे अंडरलाइन कर सकते हो देन पैराग्राफ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्टाइल्स देखने को मिलेंगे एडिटिंग फाइंड एंड रिप्लेस भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा होम टैब में सेकेंड वन आता है आपका इंसर्ट टैब विच कंसिस्ट ऑफ पेजिस लाइक द कवर पेज ब्लैंक page पेज ब्रेक टेबल्स देखने को मिलेंगे इलस्ट्रेशं विचिस पिक्चर्स क्लिप आर्ट shapes smart art charts लिंक्स आप हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हो बुकमार्क क्रॉस रेफरेंसेस को देन हैडर एंड फोटर तो इंसर्ट टैब में हैडर और फोटर आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करके कर सकते हो देन टेक्स्ट एंड सिंबल्स भी आपको इसी टैब में देखने को मिलेंगे थर्ड वन आता है आपका पेज लेआउट टैब इट कंसिस्ट ऑफ थीम्स पेज सेटअप पेज बैकग्राउंड पैराग्राफ और द अरेंजमेंट फोर्थ वन आता है आपका रेफरेंस टैब तो रेफरेंस टैब जो है इट कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स फुट नोट्स द सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कैप्शन इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज तो यहाँ पर एक टर्म है विच इज़ दिटन्स एंड बिब्लियोग्राफी इससे रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि कौन से टैब में आपको देखने को मिलता है तो ये रेफरेंस टैब में देखने को मिलता है आपको ध्यान में रखना है ठीक है देन फोर्थ नेक्स्ट वन आता है आपका मेलिंग टैब मेलिंग टैब में विच कंसिस्ट ऑफ क्रिएट स्टार्ट मेल मर्च ये सभी ऑप्शंस आपको इन्हीं नाम से देखने को मिलेंगे मेलिंग टैब में आपको क्रिएट स्टार्ट मेल मर्च और राइट और इंसर्ट फील्ड रिव्यू रिजल्ट एंड फिनिश के ऑप्शन देखने को मिलेंगे देन नेक्स्ट वन आता है आपका रिव्यू टैब रिव्यू टैब विच कंसिस्ट ऑफ प्रूफिंग जिसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर्स को चेक कर सकते हो थेजर्स ट्रांसलेट के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं कमेंट्स ऐड करने हैं ट्रैकिंग चेंजेस कंपेयर और प्रोटेक्ट के सभी ऑप्शंस आपको रिव्यू टैब में मिलेंगे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया आपने डेस्कटॉप में अगर आपको उसको प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड जो है वो इंसर्ट करना है तो आप रिव्यू टैब से कर सकते हो नैक्स्ट आपका व्यू टैब व्यू टैब इट कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू यानी कि प्रिंट लेआउट उसका किस तरह से रहेगा फुल स्क्रीन रीडिंग आप वहाँ से ओपन कर सकते हो श्योर हाइड जूम विंडो और माइक्रोज एक्सेकट्रा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अब यहाँ पर एक पिक्चर दी है आपको यहाँ पर सभी टैब दिख जाएंगे ठीक है जो फर्स्ट वन हमने बात की टाइटल बार में मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लॉज क्लोज के ऑप्शन साथ में आपका हेल्प का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है देन हमने बात की जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है जिसमें कि आपका सेव बटन और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आपको मिलता है उसके जस्ट बाद ये पूरा कंप्लीट जो है ये रिबन कहलाता है ये दिस वन एरिया इज कॉल्ड रिबन क्यों और रिबन इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टैब्स और यहाँ पर जो आपको ये टैब ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं होम टैब इंसर्ट टैब पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू ये सभी रिबन में अवेलेबल टैब्स होते हैं ठीक है तो यहाँ से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट आपका जो आता है रूलर रूलर क्या होता है इट अपेयर्स ऑन द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो इट अलाउज़ टू फॉर्मेट द हॉरीजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट ठीक है रूलर क्या है रूलर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप जब क्रिएट करोगे तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है इस एरिया में ठीक है यहाँ पर यहाँ पर अलाइनमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हो वर्टिकली चाहे आप हॉरीजेंटली बात करो आप एडजस्ट कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को ठीक है देन रोलर के भी टू टाइप्स होते हैं एक हॉरिजेंटल रोलर होता है एक वर्टिकल होता है तो वर्टिकल हॉरिजेंटल हमने देख लिया किस प्रकार से होगा वो हॉरिजेंटल जो होगा वो इंडिकेट करेगा किसको विथ ऑफ दी डॉक्यूमेंट एंड इस यूज्ड टू सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ठीक है डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए हॉर्जेंटल रूल का इस्तेमाल होगा वर्टिकल की बात करें तो इंडिकेट करता है हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड यूज टू सेट टॉप एंड बॉटम मार्जिन यानी टॉप एंड बॉटम में कितना मार्जिन रहना ये सेट कर सकते हो वर्टिकल रोलर के थ्रू नेक्स्ट वन आता है आपका स्टेटस बार स्टेटस बार का डिस्प्ले करता है ये डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन सच एज द पेज नंबर करंट पेज करंट टैम्पलेट कॉलम नंबर और द लाइन नंबर देन वर्क एरिया होता है वर्क एरिया जो भी आपका खाली स्पेस बीच में बचेगा रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो दैट कैन बी यूज टू टाइप टेक्स्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द वर्क प्लेस वर्क एरिया को वर्क प्लेस भी हम कहेंगे देन कर्सर मोस्ट आपका कॉमन इट इज़ कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंटर ठीक है कर्सर आपका इंसर्शन पॉइंटर होता है इट डिनोट्स द प्लेस वेयर टेक्स्ट और ग्राफिक्स और एनी अदर आइटम वुड बी प्लेस्ड व्हेन यू टाइप और ओवरराइट और इंसर्ट देम ओके देन हम बात करते हैं ये कंपोनेंट्स हो गए और नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसके क्या क्या फीचर्स हैं फीचर्स काफ़ी सारे हैं तो जल्दी से हम इन्हें देखेंगे सबसे पहला फीचर आता है टेक्स्ट एडिटिंग का अब टेक्स्ट एडिटिंग का नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये प्रोवाइड करता है एडिटिंग एडिंग और डिलीटिंग टेक्स्ट यानी कि किसी भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है आप उसको एडिट कर सकते हो ऐड कर सकते हो उसमें कुछ और नया या डिलीट कर सकते हो यानी मॉडिफिकेशन जो है अलाउड होती हैं कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन आपको टेक्स्ट एडिटिंग में देखने को मिलते हैं वैन वी कट एनी टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट इट विल सेव इन हार्ड ड्राइव टेम्पररी टिल वी पेस्ट इट ऑन एनी अदर प्लेस देन सेकेंड फीचर आता है टैक्सट फॉर्मेट सॉरी फॉर्मेट टैक्सट का तो टैक्स्ट फॉर्मेट करना यानी कि इट ऑफर्स टू मॉडिफाई द टैक्सट इन एनी ऑफ द एवेलेबल हंड्रेड्स ऑफ द टैक्सट डिज़ाइन हंड्रेड ऑफ़ दी टैक्स डिज़ाइन अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ठीक है आप उन्हें फॉर्मेट कर सकते हो किसी भी स्टाइल में सच ऐसे बोल्ड अटालिक अंडरलाइन जितने भी अवेलेबल आपके पास डिज़ाइन्स होंगे उन्हें आप किसी भी टैक्स को मॉडिफाई कर सकते हो दैन इंडेशन तो इंडेटेशन क्या है इट इनोर्स द डिस्टेंस टेक्सट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जन्स ऑफर करता है थ्री टाइप ऑफ इंडेंशन जो कि पॉजिटिव हैंगिंग है नगेटिव इंडेंट होता है देन पेज ऑरिए पेज ऑरियनटेशन क्या है इट फैसिलिटेट सिलेक्शन ऑफ टाइप टेक्स्ट प्रिंटेड और विजिबल इन हॉरिजेंटल द वर्टिकल व्यू ऑन अ स्पेसीफाइड साइज ऑफ द पेज वर्ड ऑफर द पोर्ट्रेट वर्टिकली ऑरिएटेड एंड लैंडस्केप अर्जेंटली ऑरिएटेड तो ये वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑफर करता है पेज ऑरिएशन को देन नेक्स्ट वन आता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो फीचर होता है ये अलाउ करता है इट अलाउज़ द फ्लैक्सीबिलिटी एंड कम्फर्ट टू द यूजर टू रिप्लेस अ टैक्सट विद द सब्सिट्यूट टैक्स एट ऑल प्लेस अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप किया तो फाइन एंड रिप्लेस से आप किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्स को रिप्लेस कर सकते हो इन वन क्लिक यूजिंग दिस ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस ठीक है नेक्स्ट फीचर आता है स्पेल चेक का तो ये फैसिलिटी है ठीक है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल चेकिंग ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल्सो सजेस्ट फ्यू पॉसिबल अल्टरनेट ऑप्शन फॉर इनकोरेक्ट स्पेल वर्ड यानी आपने इनकोरेक्ट वर्ड जो है वो स्पेल किए हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो रेड लाइन बन के आ जाएगी और आप जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको पॉसिबल अल्टरनेट ऑप्शनस भी दिख जाएंगे थीजर्स की बात करें तो इट कंटेंस अ कम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी एंड थीजर्स फीचर्स ऑफर द सिनोनिम ऑप्शन फॉर अ वर्ड बुलेट एंड नंबरिंग्स का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है लिस्ट ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग्स फीचर्स यूज फॉर टेबल लिस्ट पेजिस एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स बुलेट्स जो हैं दे आर हैंज इन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नंबरिंग आर अरेंज इन ऑर्डर्ड लिस्ट ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स जो है ये इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ Incorporating drawings in the document which enhances their usefulness. The next one is object linking and embedding, which is OLE. It stands for what object linking and embedding. This is a program of the integration technology that is used to share information between the programs through objects and objects save entities like the chart, quotations, uh, sorry, equations or uh, the video clips, audio clips, and pictures, etc. देन इसके अलावा आपके पास ऑरिजेंटल वर्टिकल स्क्रॉल बार्स होते हैं वो हमने देख ही लिए दैन सेवा डॉक्यूमेंट तो आप डॉक्यूमेंट अगर आपने कंप्लीट यहाँ पर अगर आपका डॉक्यूमेंट का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया इन सभी फीचर्स को अप्लाई करने के बाद तो आपके पास ऑप्शन आता है टू सेव अ डॉक्यूमेंट वैन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इट विल बी सेव्ड इनटू द हार्ड ड्राइव सेव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एस की से डायरेक्ट आप शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस की इससे डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो सेकेंड आता है से से सेलेक्ट सेव बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार में आपको सेव बटन मिल जाएगा एंड टू क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन फ्राम द फाइल मेन्यू फाइल मेन्यू में भी आपको सेव ऑप्शन मिल जाएगा तो ये थ्री वेज हैं टू सेव अ डॉक्यूमेंट नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक ट्रिट्स एंड बिट्स हैं अबाउट द एम एस वर्ड फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखने फर्स्ट वन है एमएस वर्ड वॉज फर्स्ट रिलीज इन नाइनटीन एटी थ्री अंडर द नेम मल्टी टूल वर्ड फॉर द जेनिक्स सिस्टम तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ध्यान है. में रखना है एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ पैराग्राम पैराग्राफ वो लेफ्ट होती है ठीक है लेफ्ट लाइन होते हैं वो एंड देन वर्ड हैज़ अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट ऑटो करेक्ट एंड कैन डिटेक्ट द एंड करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्राफ दिया है विच इज़ द शॉर्टकट कीज़ ऑफ एम एस वर्ड एंड देयर डिस्क्रिप्शन क्या क्या उसके यूज़ हैं किस तरह से एक बार जल्दी से हम इन्हें यहाँ पर गो थ्रू करेंगे बाकी चार्ट आपके पास पड़ा है आपको जो है अच्छे से इनको रट लेना है जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं मोस्टली सिमिलर होती है थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं एम एस एक्सएल और एम एस वर्ड में तो कंपेरिज़न में आपको दोनों जो है एक बार वन बाय वन को थ्रू करना है फिर कंपैरिजन में एक बार कर लोगे तो आपको जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी फॉर एग्जांपल यहाँ पर टूल नेम दिया है शॉर्टकट की बताई गई है डिस्क्रिप्शन दिया गया है ठीक है अब हमें टूल नेम ज़्यादा फोकस में नहीं रखना है मेनली डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए कि इस शॉर्टकट की से क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस एन तो कोई भी अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप शॉर्टकट की वर्ड डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है आप ध्यान में रखना वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल होगा देन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ और एक और आपकी शॉर्टकट की जाती है विच इज़ कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व देन एक्टिव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस मोस्ट कॉमन यूज है एंड शिफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व का भी यूज़ करोगे तो ये ओपन करेगा सेव सेवैज डायलॉग बॉक्स को सॉरी सेव सेवैज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए सिंपली आपको एफ ट्वेल्व का इस्तेमाल करना है ठीक है देन कंट्रोल ए मोस्ट कॉमन पेज के कंटेंट जितना भी कंटेंट है उसको सिलेक्ट ऑल सब पूरा क्यों सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस ए प्राइस करोगे कंट्रोल प्लस पी विच इज़ मोस्ट कॉमन प्रिंट करना है आपको डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल पी कंट्रोल प्लस एफ टू ये डिस्प्ले करेगा फुल पेजेस एज दे आर प्रिंटेड एफ सेवन तो एफ सेवन से आप स्पेल चेकिंग कर सकते हो ऑफ़ एक्टिव डॉक्यूमेंट जो भी आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेल चेक आपको फीचर्स चाहिए आप यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली एफ सेवन का इस्तेमाल करोगे देन कंट्रोल प्लस सी कॉपी कंट्रोल प्लस वी इज पेस्ट एंड देन कंट्रोल प्लस एक्स इज कंट्रोल प्लस एक्स परफॉर्म करता है कट ऑप्शन को ठीक है कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पोर्ट इट ऑन द क्लिप बोर्ड अब कॉपी कट एंड पेस्ट ये तीनों फीचर्स मोस्ट कॉमन है मोस्टली पूछ भी लिए जाते हैं एग्जाम so, में सो आपको ध्यान में रखना है कर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कंट्रोल प्लस एक्स आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे इसमें जो सिलेक्टेड टैक्स होगा कट हो जाएगा ठीक है आपकी स्क्रीन से वो कहाँ पर टेम्परली प्लेस होता है तो पेस्ट होने से पहले वो टेम्परली हमने देखा क्लिप बोर्ड में वो आपका सेव होता है टेम्प्ररली बेसिस पर फिर आप पेस्ट कर दोगे तो वो फाइनल आपका पेस्ट हो जाएगा ठीक है एज इट इज़ नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जेड तो सर्टेन कमांड जो भी आपने दी है उसको रिवर्स करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस वाई रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू बटन यानी आपने अंडू किया है किसी भी कमांड को किसी भी एक्शन को उसको फिर से रिवर्स करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वाई प्लस करोगे देन कंट्रोल प्लस एफ़ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एफ़ का इस्तेमाल करोगे अब आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है मान लो आपने टाइप किया इंसर्ट लिंक इस पर्टिकुलर वर्ड वर्ड में जो है इन दो वर्ड्स में आपको एक लिंक इंसर्ट करना है ताकि कोई भी पर्सन इस इंसर्ट लिंक पे क्लिक करे तो वो आपका रीडायरेक्ट हो जाए एक वेब पेज पे सो so, डायरेक्टली आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है कंट्रोल प्लस के ठीक है देन कंट्रोल प्लस डिलीट बटन तो वर्ड के जो कर्सर के जो राइट में वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा कंट्रोल प्लस डिलीट से और कर्सर के लेफ्ट में अगर आपको वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल करोगे देन करंट डेट इस और टाइम का भी ध्यान रखना है करंट डेट और टाइम तो कंट्रो एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इससे करंट डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगी एंड अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से करंट टाइम जो है आपका इंसर्ट हो जाएगा ठीक है देन नेक्स्ट आपका कुछ एक फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर दी गए हैं इनको भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो काफ़ी ज्यादा क्वेश्चन पूछे देखने को मिलते हैं तो इसे आपको जो है एक बार गो थ्रू कर लेना है अच्छे से जो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग